अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्लाइंस क्लासिकल टेक्सोनॉमी। और इसमें जो है हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है पैरेलल कंप्यूटिंग सिस्टम्स को क्लासिफाई किया गया है। जी, फ्लाइंस क्लासिकल टेक्सोनॉमी क्या है? एक्चुअली इट्स अ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स विच वॉज बेस्ड ऑन न्यू कॉन्सेप्ट विच इज़ इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड डेटा स्ट्रीम। इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और डेटा स्ट्रीम में एक वर्ड है स्ट्रीम, जो कि गौर करने के काबिल है कि स्ट्रीम एक्चुअली होता क्या है। द टर्म स्ट्रीम रेफर्स टू सीक्वेंस और फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी हम इंस्ट्रक्शंस जो प्रोवाइड कर रहे हैं अपने सिस्टम को वो किस सीक्वेंस में हैं और उनका फ्लो कैसा है। ठीक है, ये जो है ये रेफर करता है आपके स्ट्रीम को। ठीक है, हमारा जो डाटा है वो जिस भी कंप्यूटर के ऊपर ऑपरेट हो रहा है उसमें हमने उस कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की हैं उनका सीक्वेंस या फ्लो क्या है, इट्स सिंपली अ स्ट्रीम। Incomplete cycle of instruction execution, a flow of instructions from main memory to CPU is established. जब instruction execute हो रही होती है तो instructions जो हैं वो main memory से CPU तक क्या करती हैं, अपना flow establish करती हैं, अपना connection establish करती हैं और memory से CPU तक जाती हैं। इस flow को जो है हम instruction stream बोलते हैं। A flow of an operands between processor and memory is bidirectional. इसमें क्या होता है कि आपका जो इंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं वो ऑपरेशंस जिन ऑपरेंड्स के ऊपर एक्चुअली परफॉर्म हो रहे हैं वो क्या करते हैं कि अपना प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान दोनों में जो है अपना डाटा कम्युनिकेट कराते हैं, यानी इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होती है जो ऑपरेंड्स हैं वो अपना रिजल्ट जो है वो बाद में उनको सेंड करते हैं, वो मेमोरी को भी सेंड कर सकते हैं या इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को भी सेंड कर सकते हैं। इस फ्लो को जो है हम इंस्ट्रक्शन की वो डाटा स्ट्रीम बोलते हैं। यहाँ पर जो है इसका इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम और डाटा स्ट्रीम का एक ब्लॉक डायग्राम यहाँ दी गई है कि आपका CPU है और ये आपका मेन मेमोरी है और मेन मेमोरी और CPU के दरमियान जो आपकी इंस्ट्रक्शन है मेमोरी से आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो लोड होकर CPU में और तमाम काम जो है वो अब CPU ने करना है, जो भी उसके ऊपर अरिथमेटिक यूनिट्स लॉजिकल यूनिट्स जो भी ऑपरेशंस हैं वो यहाँ पर परफॉर्म हो रहे होंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम। अब CPU ने जो है अपना डाटा इंस्ट्रक्शन देने के बाद जो इस पर ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, ऑपरेंट्स जो हैं वो क्या करेंगे, आपस में कम्युनिकेट करेंगे मेन मेमोरी से जो है वो मेमोरी को डाटा सेंड भी कर रहा है CPU, मेमोरी को भी कर सकता है, ये मैंने आपको एग्जांपल दी है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को भी कर सकता है। तो वो जो आपका डाटा है डाटा स्ट्रीम जो है ये आपकी बाई डायरेक्शनल होती है, यानी दोनों डायरेक्शन में मूव करती है। तो इस तरीके से जो है हम डाटा को इंस्ट्रक्शंस को अपनी क्लासीफाई करते हैं। It can be said that the sequence of instructions executed by CPU from the instruction stream, ठीक है, यानी sequence of instructions जो कि CPU से execute हो रही हैं, यहाँ पर जो execute हो रही हैं उससे हमारी instruction stream बनती है, and sequence of data या operands required for execution of instructions, जो हमें operands require हैं, जो हमें जिसके साथ हमने अपनी instruction को execute करना है वो हमारे data stream को बनाते हैं। ठीक है, तो सिंपली जो है वो इस तरीके से आपके इंस्ट्रक्शन से वो डाटा स्ट्रीम जो है वो फ्लो करती है। ओके, नेक्स्ट जो है आपकी फ्लाइंस टेक्सोनॉमी जो है इसकी कैटेगरीज हैं, फोर इसकी कैटेगरीज हैं, SIST सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा स्ट्रीम्स, SIMD सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स, MIMD मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स एंड MISD मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा स्ट्रीम्स। जी, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं SIST को। SIST स्टैंड फॉर सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा स्ट्रीम। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपकी एक ही इंस्ट्रक्शन होती है और आपने जो डाटा स्ट्रीम होती है वो भी आपकी सिंगल होती है। इट कोरिस्पॉन्ड्स टू द ट्रेडिशनल मोनो प्रोसेसर, यानी जैसे आपका वॉन न्यूमैन कंप्यूटर आर्किटेक्चर था जिसमें आपका ट्रेडिशनल एक सिंपल CPU है और एक ही प्रोसेसर होता है उसके अंदर। ठीक है, तो उसमें जो है जो भी इसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर दी जाए उसने उसको एग्जीक्यूट करते रहना है, आपका जो है वो फ्लो टाइम में जो भी आपका इंस्ट्रक्शन आप उसको दोगे वो उसने एक टाइम में एग्जीक्यूट करनी है। सिंगल जो है आपका डाटा स्ट्रीम होती है, एक ही जो इंस्ट्रक्शन है वो एक टाइम में एग्जीक्यूट हो रही होती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल प्रोसेसर कंप्यूटर, यूनी प्रोसेसर, यानी जिसमें एक प्रोसेसर होता है, इन विच अ सिंगल स्ट्रीम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज जनरेटेड फ्रॉम द प्रोग्राम। यहाँ पर जो एक इसकी एग्जाम्पल है कि इस तरह से जो है आपने सबसे पहले लोड किया, उसके बाद लोड बी किया, उसका रिजल्ट स्टोर किया,
और फिर देन स्टोर. ये जो है आपकी इंस्ट्रक्शंस इस तरीके से जो है वो एक पैरेलल सीरियल मैनर में होती हैं और वन बाय वन जो है वो आपकी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही होती हैं. तो एक जो है पहली क्लासिफिकेशन ये थी कि सिंगल इंस्ट्रक्शंस और सिंगल डाटा स्ट्रीम हो. नेक्स्ट है आपकी सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल डाटा स्ट्रीम. हाँ जी, सिंगल इंस्ट्रक्शन एंड मल्टीपल डाटा स्ट्रीम में क्या है, ईच इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड ऑन ए डिफरेंट सेट ऑफ डाटा बाय डिफरेंट प्रोसेसर्स. ठीक है, हर इंस्ट्रक्शन जो है उसमें आपके पास डिफरेंट सेट ऑफ डाटा होता है और डिफरेंट प्रोसेसर्स होते हैं, यानी मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स जो होते हैं ऑफ सेम टाइप प्रोसेस ऑन मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स. मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स के ऊपर जो आपके वो प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं. दिस ग्रुप इज इंडिकेटेड डेडिकेटेड टू अरे प्रोसेसिंग मशीन्स. जो अरे के ऊपर फंक्शनिंग कर रही होती हैं वो SIMD फंक्शन को ज़्यादातर फॉलो करती हैं. समटाइम्स वेक्टर प्रोसेसर्स कैन ऑल्सो बी सीन एज ए पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, क्योंकि वेक्टर्स जो हैं, वेक्टर प्रोसेसर्स जो हैं वो भी एक्चुअली रे के ऊपर ही अपनी फंक्शनिंग कर रहे होते हैं. इस वजह से जो है उनका जो आर्किटेक्चर होता है ऐसे प्रोसेसर्स का वो SIMD बेस्ड होता है. इसकी अगर हम ऑर्गेनाइजेशन देखें कि ये आपका कंट्रोल यूनिट है और सिंपल जो है ये आपकी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर गिवन है और ये जो है आपके सिंगल इंस्ट्रक्शन और मल्टीपल डाटा में अब क्या है कि आपका ये मेमोरी जो है वो एक्चुअली डिवाइड हो रही है. ठीक है, तो मेमोरी को ही मेन मेमोरी जो है उसको डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड करते हुए आपने इंस्ट्रक्शन हर पोर्शन को प्रोवाइड कर दी है. इंस्ट्रक्शन एक ही थी जो कि कंट्रोल यूनिट की तरफ से आई, उसको जो है मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स में डिवाइड किया और हर डाटा स्ट्रीम जो है अपने मेन मेमोरी के हर ब्लॉक को जो आपने डिवाइड की थी आपने उसको प्रोवाइड कर दी. तो इस तरीके से जो है ये आपका डाटा फ्लो कर रहा होता है और यहाँ पर जो है ये आपका डाटा फ्लो जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है और क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल है. ठीक है, और देन जो है ये आपके इंस्ट्रक्शंस की जो है वो बात हो रही है यहाँ पर कि आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरीके से आती है. नेक्स्ट जो है MIST है. MIST स्टैंड फॉर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एंड सिंगल डाटा स्ट्रीम. ईच प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स ए डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस. इन केस ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस सिंगल डाटा कंप्यूटर्स मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स ऑपरेट ऑन ए सिंगल डाटा स्ट्रीम. एक डाटा स्ट्रीम है उसके ऊपर मल्टीपल आपके जो प्रोसेसिंग यूनिट्स है वो फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि आपका जो है मल्टीपल यूनिट्स हैं, आपके CPU जो है, आपके कंट्रोल यूनिट्स जो हैं वो मल्टीपल है और उन्होंने मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो प्रोवाइड की हैं. लेकिन यहाँ पर जो आपका डाटा जहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रहा है मेन मेमोरी जो है वो सिंपली एक ही है. ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखिए जितने आपके प्रोसेसिंग परफॉर्म हो रही है इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपके मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं लेकिन सिंगल जो है वो एक आपका मेमोरी मोड है जिसपे हर चीज़ जो है वो कम्युनिकेट हो रही है. जो अगर हम इसको देखें तो ये पैरेलल जो आपका सिस्टम है उसकी भी पैरेलल कंप्यूटिंग की भी जो है ये बेसिस है. तो इस तरीके से जो है आपके इंस्ट्रक्शंस हैं और जब आपकी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो आपका जो डाटा है वो मेन मेमोरी और CPU के दरमियान जो है ये बाई डायरेक्शनल फ्लो उनका जो है वो डाटा फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपके इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसमें जो है आपके मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होते हैं और सिंगल जो है आपकी डाटा स्ट्रीम होती है. नेक्स्ट है लास्ट MIMD स्टार्ट्स फॉर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एंड मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स. ईच प्रोसेसर हैज़ ए सेपरेट प्रोग्राम. इसमें आपका हर प्रोसेसर जो होता है वो सेपरेट अपना फंक्शन परफॉर्म करता है. एंड इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम इज जनरेटेड फ्रॉम ईच प्रोग्राम. हर प्रोग्राम से जो है आपका इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम जनरेट होती है. ईच इंस्ट्रक्शन ऑपरेट्स ऑन डिफरेंट डाटा. डाटा जो प्रोवाइड किया जाता है हर इंस्ट्रक्शन को वो भी डिफरेंट होता है. दिस लास्ट मशीन टाइप बिल्ड्स द ग्रुप फॉर द ट्रेडिशनल मल्टी प्रोसेसर्स. जो ट्रेडिशनल मल्टी प्रोसेसर्स होते हैं उनके लिए हम MMIT जो है MMMT जो है हम यूज़ करते हैं आर्किटेक्चर. सेवरल प्रोसेसिंग यूनिट्स ऑपरेट ऑन मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स. और इसका जो है आर्किटेक्चर आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके जो कंट्रोल यूनिट्स हैं वो भी मल्टीपल हैं, इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो भी मल्टीपल हैं और आपने मेमोरी मॉड्यूल जो है उसको भी मल्टीपल यूनिट्स में यानी M1 से लेकर आपने MN तक जितने भी आप चाहें आप उस पर डिवाइड करके अपनी जितनी भी आपकी इंस्ट्रक्शंस है आप उनको इस तरीके से पैरेलल मैनर में जो है वो करवा सकते हैं एग्जीक्यूट. ठीक है, तो ये है आपका मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस और मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स.
प्रोसेसर्स की कुछ ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लाइंस टेक्सोनॉमी. SIST है, यानी आपका इसमें आपका यूनि प्रोसेसर्स यूज़ होते हैं. SIMD जो है वेक्टर प्रोसेसर और रे प्रोसेसर्स है. MIST जो है ये ट्रेडिशनली यूज़ में नहीं है, क्योंकि इसमें आपका सिंगल डाटा स्ट्रीम होती है और मल्टीपल जो है वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो कि ज़्यादातर जो है वो एग्जीक्यूट करना डिफ़िकल्ट है. तो इस वजह से हम इसको ट्रेडिशनली अब कंसीडर नहीं करते, लेकिन ये जो है फ्लाइंस टेक्सोनॉमी का पार्ट है, तो इसलिए हमने इसको डिस्कस किया है. नेक्स्ट है आपका MIMD. तो इसमें क्या होता है, आपके शेयर्ड मेमोरी है, यानी इसमें आपकी कपलिंग जो है वो टाइट और लूज़ कपलिंग, जो हमने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. तो ये जो है आपका शेयर्ड मेमोरी और मल्टी कंप्यूटर सिस्टम यानी डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसके अंदर आ जाता है. ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है आपके प्रोसेसर्स अरेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू फ्लाइंस टेक्सोनॉमी. नेक्स्ट है आपका मॉडर्न पैरेलल आर्किटेक्चर्स. मॉडर्न पैरेलल आर्किटेक्चर्स कैन बी लूजली क्लासिफाइड एज डाटा पैरेलल एंड कोड पैरेलल. जी, तो डाटा पैरेलल आर्किटेक्चर्स जो हैं वो कौन से आर्किटेक्चर्स होते हैं? दीज आर दोज विच अप्लाई द सेम ऑपरेशन टू मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ डाटा कॉन्करेंटली. एक ही टाइम में जो है आपके मल्टीपल डाटा स्ट्रीम्स होती है और उनके ऊपर सेम ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो रहे होते हैं. ठीक है, तो एक ही तरह का ऑपरेशन डिफरेंट डाटाज के ऊपर परफॉर्म होना, ये जो है आपका डाटा पैरेलल होता है. टू मेन कैटेगरीज हैं डाटा पैरेलल आर्किटेक्चर्स की, जो डाटा पैरेलल मशीन्स होती हैं. एक है आपका वेक्टर प्रोसेसर्स और एक आपका SIMD यानी सिंगल इंस्ट्रक्शन और मल्टीपल डाटा स्ट्रीम आर्किटेक्चर्स. ये जो हैं इसमें आपका डाटा वो पैरेलल मैनर के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा होता है. हाँ जी, इसमें जो कॉन्सेप्ट है वेक्टर प्रोसेसिंग का, उसको हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि एक्चुअली वेक्टर प्रोसेसिंग होता क्या है. इन कंप्यूटिंग अ वेक्टर प्रोसेसर और अरे प्रोसेसर इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इंप्लीमेंट्स एन इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंटेनिंग इंस्ट्रक्शंस दैट ऑपरेट ऑन वन डायमेंशनल अरे ऑफ डाटा. इसमें आपकी, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वेक्टर प्रोसेसिंग जो है, ये वेक्टर प्रोसेसर्स बेसिकली अरेज के साथ डील करते हैं. तो आपकी वन डायमेंशनल अरे जो है उसके ऊपर आपने जो है जो प्रोसेसर आप उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए या उसके साथ ऑपरेशंस जो इन्वॉल्व हैं उनमें जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि वन डायमेंशनल अरे के ऊपर ऑपरेट हो रही होती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए जो प्रोसेसर्स यूज़ होते हैं वो वेक्टर प्रोसेसर्स होते हैं. यानी जब हम सिंपली अरेज की बात करते हैं तो अरेज के साथ जब हमने डील करना है तो हमने वन डायमेंशनल अरेज जो हैं या टू डायमेंशनल अरेज जो हैं, जो भी आपका अरेज का जो है वो हम वेक्टर प्रोसेसर्स के साथ बेसिकली करते हैं. नेक्स्ट है आपका कोड पैरेलल आर्किटेक्चर. कोड पैरेलल आर्किटेक्चर जो हैं ये कौन से होते हैं? विच एग्जीक्यूट कोड इन पैरेलल, यानी आपके प्रोग्राम को जो है वो पैरेलल मैनर में एग्जीक्यूट करते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेन ऑफ पैरेललिज्म दीज आर्किटेक्चर्स फॉल इनटू टू कैटेगरीज. जितना आपने जो है पैरेलल इसके ऊपर अपना फंक्शन परफॉर्म करना है या कोड को एग्जीक्यूट करना है उसके ऊपर जो है इसके दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. एक है आपका इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेलल आर्किटेक्चर्स और दूसरा है आपका थ्रेड या प्रोसेस लेवल पैरेलल आर्किटेक्चर. इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेलल आर्किटेक्चर्स कौन से होते हैं? दीज एग्जीक्यूट मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस कॉन्करेंटली. इसमें आपकी मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो एक ही टाइम में एग्जीक्यूट हो रही होती हैं. ठीक है, इन एन ओवरलैप फैशन. दिस क्लास इंक्लूड्स द पाइपलाइन सुपर स्केलर एंड VLIU आर्किटेक्चर्स. इसको जो है हम थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेते हैं कि VLIU जो है आर्किटेक्चर्स और आपके पाइपलाइनिंग या सुपर स्केलर जो है वो कौन से आर्किटेक्चर्स होते हैं. VLIU आर्किटेक्चर्स जो है वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड कॉन्सिस्ट ऑफ मल्टीपल इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस ग्रुप टुगेदर. ठीक है, इसमें आपके पास नंबर ऑफ ऑपरेशंस ज़्यादा होते हैं. ठीक है, तमाम ऑपरेशंस जो हैं एक पर इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं और नंबर ऑफ ऑपरेशंस ज़्यादा हैं, लेकिन आपने उनको ग्रुप जो है वो कर दिया है, उनको एक कनेक्टेड अप्रोच में आप लेकर चल रहे हो. हर ऑपरेशन जो है वो एक इंस्ट्रक्शन को असाइन किया जाता है और इंस्ट्रक्शन जो है वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट को, फंक्शनल यूनिट को जो है रिस्पॉन्ड करती है एग्जीक्यूट करने के बाद. तो इसमें जो है आपका ये VLIU आर्किटेक्चर जो है इसमें वेरी लॉन्ग इंस्ट्रक्शन वर्ड जो है इस तरीके से ऑपरेट होता है. पाइपलाइनिंग में क्या होता है? सिंपली आपकी जो इंस्ट्रक्शन है उसको आपने सब इंस्ट्रक्शंस में या पार्ट्स में, सेगमेंट्स में डिवाइड कर देना है ताकि आपकी एग्जीक्यूशन जो है वो एक ही टाइम के अंदर हो जाए और आपकी इंस्ट्रक्शन जो है वो पार्शली डिवाइड होकर अपना रिजल्ट जो है वो जनरेट करेगी.
सुपर स्केलर आर्किटेक्चर्स में क्या होता है, डिस्पैचिंग द इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस इनटू टू बी एग्जीक्यूटेड कम्प्लीटली इंडिपेंडेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसर। एक प्रोसेसर आपने लिया है और उसके डिफरेंट पार्ट्स में जो है आपने अपनी इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना है। ये काम भी आपका इंडिपेंडेंट होता है, यानी एक आपकी जो है इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो ये जो है आपके इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेलल आर्किटेक्चर्स, इनमें जो है ये इसकी कैटेगरीज हैं तीनों। तो इस तरीके से जो है ये इंस्ट्रक्शंस आपकी एग्जीक्यूट होती हैं इन इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेलल आर्किटेक्चर्स में। उसके बाद आपके पास है थ्रेड प्रोसेस लेवल आर्किटेक्चर्स, दीज एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोसेसेस या थ्रेड्स कॉन्करेंटली एंड इंक्लूड द सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड शेयर्ड मेमरी MIMD मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा स्ट्रीम मशीन्स। हाँ जी, इसमें जो है आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स आते हैं जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी देख चुके हैं, और नेक्स्ट आपकी जो अभी हमने स्टडी किया है MIMD, इसकी मशीन्स जो हैं ये भी आपके कोर पैरेलल आर्किटेक्चर के थ्रेड प्रोसेस लेवल में ऑपरेट हो रही होती हैं। नेक्स्ट जो हमारा होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, हमने थ्रेड और प्रोसेस लेवल को डिटेल में डिस्कस करना है। यहाँ पर जस्ट आपको जो है एक ओवरव्यू दिया गया है। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आप लोग का कोई भी क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क।